खरगोन जिले में हजारों की संख्या में अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यापकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन को जमकर घेरा और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 25 से 50 के फार्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश का जमकर विरोध के साथ सातवें वेतनमान का लाभ दिलाए जाने तथा क्रमोन्नति की मांग की। इसके साथ ही अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों पर मध्याह्न भोजन सहित अन्य मामलों पर हो रही अनावश्यक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। 20-50 फार्मूले के तहत एक परीक्षा आयोजित की थी और उस परीक्षा में कुछ अध्यापकों और शिक्षकों का परीक्षा परिणाम अपेक्षित नहीं था। उनको सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। हमारा कहना यह था कि उनको सेवा में पुनः बहाल किया जाए। परीक्षा कोई आधार नहीं होता और जो सिलेबस था वो उसको उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था और सरकार ने जबरी ने उनको जो है वो सेवानिवृत्ति दे दी। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके साथ ही समस्त अध्यापक संवर्ग को सातवें वेतनमान का लाभ, जिसके कि आदेश हो चुके हैं, उसके बाद भी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा सरकार से निवेदन है कि प्रदेश के समस्त अध्यापक संवर्ग को, प्राथमिक शिक्षक को, माध्यमिक शिक्षक को, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को और जो निकायों के अध्यापक संवर्ग हैं उनको जो है 1 जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान का नगद लाभ प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सबसे बड़ी मांग है कि विगत वर्षों में हमारे कई शिक्षाकर्मी असमय मृत्यु का शिकार हो गए हैं। आज उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार की जो है जटिल अनुकंपा नियुक्ति नियमों के कारण उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए भगवानपुरा तहसील से जिला ब्यूरो राम पवार नायक के साथ तहसील रिपोर्टर प्रदीप महाजन की रिपोर्ट।